नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी अभी SBI के कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा करने गया और जैसे ही मैंने उस मशीन में पैसा जमा किया वैसे ही लाइट गुल हो गई और अब मेरा पैसा उस मशीन में फंस गया, ना ही ये बाहर आ रहा है और ना ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइट वाला गुल था ये जस्ट जोकिंग था, मजाक था। आपको यहाँ पर लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपने वहाँ पर डिपॉजिट किया है इस मशीन के थ्रू और अगर आपका जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर मशीन में टाइम आउट हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ डिटेल से कि आपको इस मशीन में डिपॉजिट करोगे अगर ATM से या फिर विदाउट ATM कार्ड से तो आपको यहाँ पर कितना चार्ज लगने वाला है और अगर आपका पैसा फंस गया है तो आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना और एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने SBI कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा डिपॉजिट करने जाओगे अपने ही अकाउंट में या फिर किसी और के SBI अकाउंट में तो आपको जो पैसा जमा हुआ है या फिर ट्रांजेक्शन फेल हुआ है या फिर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो आपको इस प्रकार से स्लिप देखने को मिलती है और इस स्लिप में टोटल यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा A to Z। तो ये स्लिप बहुत ही काम की होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर पैसा डिपॉजिट किया है वो ATM के थ्रू किया है तो यहाँ पर मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ATM के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पर कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर डे यहाँ पर आपको 2 लाख तक डिपॉजिट का लिमिट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ATM कार्ड नहीं है और आप इस मशीन के थ्रू यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो अपने ही अकाउंट में या फिर किसी दूसरे के SBI अकाउंट में तो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज ₹25 लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ₹25 अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसी के थ्रू वहाँ पर ₹25 काट लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी के अकाउंट में ₹1,000 जमा करोगे तो वहाँ पर उस अकाउंट ₹1,000 से ₹25 माइनस हो जाएगा। एक और सवाल आता है कि हम जब भी वहाँ पर SBI कैश डिपॉजिट में पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर हमको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलता है, तो क्या हम कौन सा मोबाइल नंबर डालें, अपना डालें या फिर सामने वाले का डालें? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ओनली आपको 10 डिजिट का नंबर डालना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना डालो या फिर उसका डालो। यहाँ पर 10 डिजिट होना चाहिए और जो आपकी स्लिप मिलेगी इसमें वो मोबाइल नंबर प्रिंट होके आ जाएगा सबूत के तौर पे। और अगर आप बिना ATM कार्ड के डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर डे लिमिट रहेगी 49,900 का। तो कहने का मतलब ये है कि बिना ATM कार्ड के आप डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पर 49,900 एक दिन में आप कर सकते हो। और दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी को भी या फिर अपने अकाउंट में 10,000 यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो और उसको आप यहाँ पर 2 बार में करोगे, जैसे कि 5,000 एक बार में और 5,000 दूसरी बार में, तो आपको यहाँ पर 2 ही बार में ₹25 आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो इस बात को खास करके आपको ध्यान रखना है कि विदाउट ATM कार्ड के आपको पर ट्रांजैक्शन चार्ज ₹25 देना पड़ेगा। चलिए ये तो रही ट्रांजैक्शनों की बात, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने तो डिपॉजिट यहाँ पर पैसा कर दिया है और अगर हमारा वहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है किसी भी कारणवश से, टेक्निकल कोई भी इशू हो सकता है या फिर टाइम आउट हो सकता है, तो आपको यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप इस मशीन के थ्रू डिपॉजिट करने जाओ तो आपको यहाँ पर फटाफट से काम करना है वरना आपका टाइम आउट हो जाएगा और टाइम आउट होने के बाद आपका पैसा उसी मशीन में फंस जाएगा, ना तो वो बाहर निकलेगा और ना ही आपके अकाउंट में जमा होगा। और ऐसा होने पर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको उसी दिन या फिर छुट्टी के दिन अगर होता है तो आप बाद में भी SBI होम ब्रांच जाइए और अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट करिए और वहाँ पर सारी डिटेल बता दीजिए और आपको देख लीजिए कुछ इस प्रकार से स्लिप मिल जाती है तो इसमें
टोटली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपका एटीएम नंबर कितना था या फिर कितना टाइमिंग था टोटली। तो आपको इस स्लिप को संभाल के रखना है एज ए सबूत के तौर पे। और दोस्तों मान लीजिए कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा पैसा वहाँ पर फंस गया है लेकिन स्लिप हमको नहीं मिली है, तो स्लिप मिले या फिर ना मिले तो भी आपको यहाँ पर होम ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इस आपको स्लिप मिले या फिर ना मिले फिर भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आपको इसको सॉल्व करने के लिए अपने ही होम ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ेगा, तभी आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और छोटा सा इसी मशीन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मशीन है कैश डिपॉजिट मशीन, ये कौन कौन से नोट यहाँ पर अभी करेंटली एक्सेप्ट करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी मशीन अपडेटेड हो चुकी होगी तो आपको यहाँ पर 100 का या फिर 100 का, 200 का, 500 का और 2000 के नोट एक्सेप्ट करती है। आप इसको निकाल भी सकते हो एज ए और आप इसको डिपॉजिट भी कर सकते हो अगर आपके पास इस प्रकार की कोई नोट करेंसी है 100 का, 200 का, 500 का या फिर 2000 का, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो भी नोट होंगे पूरा कड़क कड़क होना चाहिए, इस प्रकार के कोई भी कोने मुड़े नहीं होने चाहिए, वरना वहाँ पर जो नोट है बाहर आ जाते हैं और आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आप वहाँ पर जमा करने जाओ तो पहले अपने सभी नोटों को अच्छे तरीके से नोट को देख लेना है।